दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक टेक यार पर। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया था। ये चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पेयर का है, तो देखते हैं इसका अंदर मुझे चार्ज कंट्रोलर ऑर्डर दिए हैं कैसा है। तो दोस्तों हमारा जो पैकेट के अंदर एक और पैकेट निकला, इसमें हमारा चार्ज कंट्रोलर है, सूरज चार्ज कंट्रोलर। ये आपका SSUCA कंपनी का है और बहुत छोटा पैकेट है। देखिए इसका अंदर हम लोग क्या निकलता है। कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है और इधर हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इसका जो फंक्शन है इसके बारे में बताया है, यहाँ पर आपका कनेक्शन के बारे में बताया है। इस सब का हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये हमारा चार्ज कंट्रोलर है। ऊपर में आपका प्लास्टिक का बॉडी है और पीछे ये मेटल है। मेटल इसे दिया अच्छा कि इसका जो मॉस्फेट है वो ज़्यादा हीट ना हो। और हमारा यहाँ पर कनेक्शन है, ये हमारा सोलर का यहाँ पर आएगा और ये बैटरी का, ये हमारा लोड का। चार्ज कंट्रोलर को जब भी आप सेटिंग करें तो सबसे पहले हम लोग का इसमें बैटरी का कनेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद फिर सोलर का। अगर पहले आप सोलर का कर दीजिएगा कनेक्शन तो हमारा चार्ज कंट्रोलर जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सोलर से जो आपका वोल्टेज आएगा वो 12 वोल्ट से ज़्यादा आता है। इसलिए हम लोग पहले इसमें बैटरी का करते हैं। तो कभी भी आप डैट सोलर का कनेक्शन डैट ना करें। जैसे देख सकते हैं, ये हमारा जो PWM का चार्ज कंट्रोलर है, ये 30 एम्पेयर का है। इसमें देखिए आपका करंट वोल्टेज रेट है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। ये आपका 12 वोल्ट का सिस्टम पर भी काम करेगा और 24 वोल्ट का भी सिस्टम में काम करेगा, और 30 एम्पेयर करंट रेट है, और मैक्सिमम आपका इसमें 50 वोल्ट तक कैपेसिटी है। अगर आप 12 वोल्ट का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप 390 वाट तक पैनल यूज़ कर सकते हैं, और 24 वोल्ट का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो 780 वाट तक आप पैनल यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको 390 अगर लिखा हुआ है तो आप कम से कम 350 वाट तक पैनल यूज़ कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। और 24 वोल्ट में आप 780 लिखा हुआ है तो लगभग 740 तक वाट यूज़ कीजिएगा तो ये अच्छा काम करेगा। और 30 एम्पेयर है तो आप 20-25 एम्पेयर तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। पूरा 30 का 30 अगर एम्पेयर पैनल आप यूज़ कीजिएगा तो शायद ये सही से वर्क ना करे और हीट ज़्यादा हो। तो चलिए हम इसका टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है ये कैसा वर्क करता है। तो फिलहाल अभी तो रात हो चुका है, तो हम लोग इसको अपना छोटा सा बैटरी है, ये हमारा बैटरी है 50 mAh का बैटरी है, इसी से हम थोड़ा तो चेक करेंगे। और फिर कल हम इसको फिट करके अपना ये जो मेरा सुकेंग का है तो इससे हम रिप्लेस करके ये नया लगा के देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो फिलहाल अभी हम इसको अभी यही छोटा सा बैटरी से चेक करेंगे कि इसका क्या इसका फंक्शन है और कितना वोल्टेज बताता है। हालांकि जो ऑनलाइन इसका हम रिव्यू चेक किया तो इसमें बता रहा था कि इसका जो वोल्टेज मीटर है और बैटरी जो वोल्टेज है वो डिफरेंस बताता है। बैटरी का वोल्टेज कुछ और है, इसमें कुछ और बताता है। तो फिलहाल अभी हम वही चेक करते हैं कि बैटरी का वोल्टेज मेरा क्या है और इसमें क्या बता रहा है वोल्टेज, और इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा जो
पीला दोनों, मेरा प्लस माइनस दोनों पीला ही है, लेकिन माइनस में हम लोग ये काला रंग का टेप मार के रखे हैं ताकि मालूम चले कि मेरा माइनस है। कि सबसे पहले हम लोग का जो है बैटरी का कनेक्शन करना है, उसके बाद ही सोलर का फिर लोड का। आपको पहले सोलर का कनेक्शन ही करना है, तो चलिए पहले हम लोग बैटरी का कनेक्शन करते हैं। ये जो हमारा है लाल, जो लाल रंग का टेप मारे हैं, ये हमारा प्लस में चल जाएगा। तो ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। देखिए ये हम लोग क्रेशर करने के बाद भी इसे हम लोग का करंट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पर कुछ शो नहीं कर रहा। तो देखते हैं, मल्टीमीटर से करेक्शन चेक करते हैं करेक्शन को। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है, ये हमारा जो है 1.18 वोल्ट शो कर रहा है। लेकिन ये हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है, ये ख़राब निकला है, जो आज ही हमने ऑनलाइन मंगाए थे। जैसे देख सकते हैं कि देखिए मेरा इसमें भी 12.18 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन जैसे इसको कनेक्शन हम देते हैं चार्ज कंट्रोल में, तो ये मेरा वोल्टेज डाउन हो जा रहा है। देखिए ये वोल्टेज मेरा डाउन हो गया और ये कनेक्शन हटा दे रहे हैं, तो मेरा वोल्टेज जो है सही हो जा रहा। तो इसका मतलब ये चार्ज कंट्रोल जो हम लोग का मिला है, ये खराब है, फॉल्ट है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। देखिए इसमें जैसे हम करंट दे रहे हैं, ये आपका वोल्टेज जो 0 हो जा रहा, 0.7। इसका मतलब ये जो चार्ज कंट्रोल है हम लोग का, ये शॉर्टेज है,